उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सवाजी सिंह जी, भाई अवाना जी और तमाम साथी और पत्रकारगण, जैसा संजय सिंह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा चल रही है। इसका पहला चरण आगरा में था, आज हम नोएडा में हैं, 14 तारीख को अयोध्या में रहेंगे और इसके बाद फिर सभी 403 विधानसभाओं में ये तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने का मकसद है कि हम सब लोग आजादी के 75वें वर्ष में अपने तिरंगे को हाथ में लेके गांव-गांव संकल्प लें और लोगों को दिलाएं कि ये जो तिरंगा हमारी आन बान शान है, ये तिरंगा सारी दुनिया में जो हमारी पहचान है, जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए देश के शहीदों ने, आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने और आजादी के बाद भी हजारों शहीदों ने जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए जान दी है, उस तिरंगे की आन बान शान में उत्तर प्रदेश की राजनीति गुस्ताखी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने हमेशा इस तिरंगे की आन बान शान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उससे पहली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं, लेकिन जब इस तिरंगे के नीचे खड़े लोगों को अच्छी शिक्षा देने की बारी आती है तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों के बच्चों का, उत्तर प्रदेश के लोगों के बच्चों के मिड डे मील का पैसा भी खा जाते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए स्कूल के मिड डे मील का गया पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए और जब आप ही के जैसा एक पत्रकार जाके ये सवाल करने लगा कि भाई जिन बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए था स्कूलों में, वहां नून तेल रोटी क्यों मिल रही है, तो उसको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ये तिरंगे की आन बान शान को बट्टा लगता है इस बात से जब देश के बच्चों के मिड डे मील का पैसा चोरी कर लिया जाए और इस तिरंगे के नीचे बैठे हुए लोगों को उनके बच्चों को नून तेल रोटी खिलाई जाए मिड डे मील के नाम पर, और कोई पत्रकार उसको सवाल उठाए तो उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाए। अभी हाल ही में 2-3 दिन पुरानी खबर की उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने फिरोजाबाद में हॉस्पिटल के सामने प्रसूता लड़की ने दम तोड़ दिया सड़क पे। देश की बेटी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से ये अपेक्षा रखे कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे लिए एक डिलीवरी का बेड अवेलेबल करा दो, और उसको सड़क पे दम तोड़ना पड़े, तो ये सरकार द्वारा इस तिरंगे की आन बान शान में बट्टा लगाने का काम है। बेरोजगारों की नौकरी हो या किसानों के फसलों के सही दाम हो, शहरों में छोटी छोटी चीजों के लिए करप्शन हो रहा है, सड़कों से लेके सब चीजों में, तो एक ईमानदारी की राजनीति, शिक्षा के जरिए प्रदेश को आगे बढ़ाने की राजनीति का संकल्प लेकर हम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और इस आजादी के 75वें साल में इस तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाने का संकल्प लेंगे कि इस तिरंगे के नीचे आने वाले हर व्यक्ति को, वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस क्षेत्र का हो, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में भारत की कल्पना की है, इस तिरंगे के नीचे रहने वाले भारत को वैसा भारत बनाने के लिए राजनीति करेंगे और वही राजनीति को चुनने के लिए लोगों से अपील करेंगे। ये एक हमारी संकल्प यात्रा है और इस संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं, आज नोएडा में है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपके कुछ सवाल हो या संजय भाई इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।